हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास 160 सीसी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाने वाली बाइक और इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है सेगमेंट के अंदर में, यानी कि अभी तक आपने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये है अपनी बजाज पल्सर NS160 का वाइट कलर, जो कि आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। E20 कंपेटेबल रहने वाली है, डिजिटल मीटर LED हेडलाइट वाला मॉडल है। तो आज की वीडियो हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या इस बाइक की स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और कितनी बाइक आपके लिए प्रैक्टिकल रहने वाली है, यानी कि सारे के सारे जो डाउट है आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे इस बाइक को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी 1 लाख जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping a model. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. 'Cause everything. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाइक के फ्रंट की लुक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इसके कलर को चेक करो अगर, तो ये अपना है आपके सामने इसका पर्ल मेटेलिक वाइट कलर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। उसी के साथ ही साथ फ्रंट से अगर आप इसके हेड सेक्शन की तरफ आओगे तो यहाँ पर अब आपको पूरा LED हेडलाइट मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ में आती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है DRL, जो कि आप यहाँ पर देखोगे हाई बीम लो बीम का सेटअप आपको पूरा LED मिलता है। LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे तो भी मतलब यहाँ पर कुछ ऑन वगैरह नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मतलब आप स्टार्ट करोगे बाइक को, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं करके, अगर अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फ्रंट की जो DRL है ये ऑन है, और जैसे ही आप मतलब इसके यहाँ से स्विच भी कर सकते हो, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पर इसकी आप देख सकते हो हेडलाइट ऑन हो गई यहाँ से। और फिर अगर आप इसको फुल ऑन करोगे, यानी कि हाई बीम लो बीम दोनों ऑन करते हो, तो कुछ ये आपको यहाँ पर सेटअप मिलता है देखने को, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर चेक करो तो थ्रो भी आप यहाँ से इसका पूरा देख सकते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा थ्रो वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको इसमें LED बेस देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, आप देख सकते हो ये आपको फ्लेक्सिबल नहीं मिलेंगे, नॉर्मल आपको केवल ब्लिंकर्स टाइप के मिल जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर अगर आप हेड के ऊपर में ग्राफिक्स देखते हो तो यहाँ पर रेड, यहाँ पर आपको ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट जो है आपके यहाँ पर मेटल बॉडी में इंस्टॉल होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट में इस बाइक में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पर फ्रंट में मिल जाते हैं। उसी के साथ ही साथ बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। मड गार्ड अगर आप चेक करते हो तो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, प्लास्टिक क्वालिटी का ये फाइबर में है। यहाँ पर आपको ग्रे ग्राफिक्स मिलेंगे, इस तरफ आपको कार्बन फाइबर के स्टीकर मिल जाएंगे। उसी के साथ ही साथ फ्रंट में आप इसके अलावा व्हील का डिज़ाइन को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसमें बड़ी सी 300mm की डिस्क मिल जाती है फ्रंट में, ड्यूअल चैनल ABS बाइक के अंदर में आपको मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आपको क्रेमिका के कैलिपर यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि कैलिपर के पर्पज़ में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। उसी के साथ ही साथ फ्रंट की बात करते हैं टायर सेक्शन की अगर हम लोग, तो इसमें आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, 100x80 सेक्शन के टायर 17 इंचेस के कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील के साथ में, जिनका आप पैटर्न यहाँ से देख सकते हो, ये 17 इंचेस के मिलने वाले हैं आपको। उसी के साथ ही साथ ओवरऑल डिज़ाइन जो अलॉय व्हील का है आपको काफ़ी स्पोर्टी मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है सेगमेंट के हिसाब से। और आप इसके फ्रंट के हेडलाइट के डिज़ाइन को देख के ये बताइएगा कि आपको इसका हेड का डिज़ाइन कैसा लगा। बाकी साइड मिरर का डिज़ाइन आप इस तरफ से भी देख सकते हो, बाकी मैं उधर से आपको दिखाऊंगा भी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप टैंक इसका चेक करोगे तो ये वाइट कलर इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, आप अगर चेक करते हो तो यहाँ पर ये वाइट कलर जो है काफ़ी इसके ऊपर सूट कर रहा है। यहाँ पर आपको रेड कलर के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक मिलेगा, यहाँ पर आपको 160 लिखा हुआ मिल जाता है सिल्वर की फिनिशिंग के साथ में। पल्सर का 3D लोगो मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ये ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में दे रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक कलर है, 3D में है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, बाइक E20 कंपेटेबल रहने वाली है, आप यहाँ से देख सकते हैं। टैंक पैड आपको यहाँ पर मिल जाता है, सीट काउल के ऊपर में आपको NS160 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरफ आपको रेड कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। टेल सेक्शन की तरफ आते हैं तो रियर से अगर आप इसकी टेल लाइट देखोगे तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, रियर से आप मड गार्ड भी इसका देख सकते हैं, सेम आपको सेटअप देखने को मिलता है, LED पूरा का पूरा, ग्रैब हैंडल स्पीड मिल जाते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसी के साथ ही साथ इसका यहाँ पर अगर आप ये देखो तो पूरा वाइट मिलता है, जो कि रियर से इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। बाकी लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा, पीलियन फुटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो इसका,
कुछ ऐसा ओवरऑल सिस्टम मिल जाता है, साइड स्टेयर इंजन कट ऑफ मिल जाता है, 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर में। बाकी बजाज की बैजिंग मिल जाती है, इंजन काउल यहाँ से आप देख सकते हैं, रेडिएटर टाइप का यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाता है। बाकी 170mm की बाइक के अंदर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। रियर में आपको मोनोशॉक के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ओपन चेनसेट कवर मिलने वाला है जिससे बाइक की लुक और ज़्यादा स्पोर्टी आए। बाकी यहाँ पर आपको जाली यानी कि वेंट टाइप की डिज़ाइन, फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग, बाकी यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाते हैं क्रैश गार्ड्स, जो कि यहाँ से आप इसका ओवरऑल चेक कर सकते हो। रियर से अगर आप इसकी लुक को चेक करते हो तो यहाँ पर एक मड फ्लैप है, टायर रगर है, 230mm की रियर में आपको डिस्क मिल जाती है 230mm की, जैसा कि आप चेक कर सकते हो। फुटपैक्स आपको स्पोर्टी वाले मिल जाते हैं, एक किक भी इसमें मिल जाती है। देखा जाए अगर कि बाइक का इंजन काफ़ी सही है, 160cc की बाइक है, उसमें आपको किक भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कभी अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो कम से कम बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये फीचर काफ़ी सही है। बाकी अगर इसके रियर के टायर सेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो रियर में आपको उसमें देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ₹130/70 सेक्शन का टायर आपको रियर में इसमें देखने को मिल जाता है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में। बाकी यहाँ पर आपको टायर रगर भी सब मिल जाएगा, अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि काफ़ी कम बाइकों में आपको कंपनी ऑफर करती है। अब चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं की दिखा दूँ, तो यहाँ पर आपको अभी भी इसमें नॉर्मल सी कीज़ मिलती हैं। ये मतलब बजाज ने काम इसमें सही नहीं किया कि अगर देखा जाए तो इसमें वेब कीज़ वगैरह आ जाती, थोड़ी सी और अगर इसको प्रीमियम कर देते तो मज़ा आ जाती देखने में, लेकिन यहाँ पर अभी वही आपको नॉर्मल सी की देखने को मिलती हैं। मीडा कंसोल से पहले आप यहाँ पर बार हैंडल चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है स्पोर्टी क्लिप ऑन वाली बार हैंडल, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि जब बाइक ज़्यादा स्पीड में चलती है तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस काफ़ी कम महसूस होती हैं। साइड मिरर का पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हो। स्विचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम पासिंग और यहाँ पर आपको जिसका मतलब जो स्विच है, तीनों काम एक ही स्विच करने वाला है। बाकी यहाँ पर मोड का स्विच मिलेगा, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, इस तरफ आपको बार्स मिल जाते हैं और क्लच का लीवर काफ़ी लाइट है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल आप फिंगर से इसको आराम से प्रेस कर पाओगे, काफ़ी सही है, काफ़ी लाइट है। यहाँ पर आपको इंजन किल मिल जाता है, यहाँ से आप इसके DRL और हेडलाइट को स्विच कर पाओगे, शेल्फ एसलेटर, फ्रंट ब्रेक का लीवर, डेट सीट, आपको इतना कुछ इसमें देखने को मिलता है। ऑन करते हैं मीटर कंसोल, तो ये अब इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। बजाज के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इसमें आपको नया मीटर मिलना चाहिए, नया मीटर मिलना चाहिए, तो ये तो अपडेट इसमें हो ही गया है। आप इसको फिर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके, तो यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइट देखने को मिल जाती है, ग्रीन ब्लिंक होती है, ब्लू ब्लिंक होती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक RPM मीटर मिलेगा, बड़े अक्षरों में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, टाइम देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिव वाले फीचर मिल जाते हैं, कॉल, SMS अलर्ट वाले सारे फीचर बाइक के अंदर में आपको मिलेंगे, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलेगा। बाकी जो मोड का स्विच है इससे आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पर आपको इंजन की लाइट देखने को मिल जाती है, चेक इंजन की लाइट, ABS की लाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेशन, और इसको आप यहाँ से भी थोड़ा एडजस्ट वगैरह कर पाओगे। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वगैरह नंबर वगैरह सब आपको मिलेगा, तो काफ़ी सही आपको यहाँ पर इसके फीचर मिल जाता है। और इस तरफ आपको मिलता है कि USB पोर्ट अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो बाइक के अंदर में अब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर वगैरह सब कुछ देखने को ओवरऑल मिल जाता है। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि बाइक की परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को ओवरऑल मिलने वाली है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 160.3cc का एक ऑयल कूल 4-stroke 4-valve ट्विन स्पार्क इंजन, जो कि आपको 17.2 PS की पावर लिस्ट के देने वाला है 14.6 Nm टॉर्क के साथ में। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा पावर मिल जाता है सेगमेंट के अंदर में। बाकी अगर आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हो, काफ़ी सही आपको ये कलर देखने को मिलेगा। बाकी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 30-35 km तक की माइलेज। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ में इसका छोटा सा एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। ऑन करते हैं, अंडर वैली एग्जॉस्ट है, तो इसका आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, तो बजाज पल्सर NS160 ये पर्ल मेटेलिक वाइट कलर 2024 का लेटेस्ट मॉडल, इसकी प्राइस रहने वाली है 1,81,500 रुपीज़ की, 1,81,500 रुपये इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर आपको इसको परचेस करना है या फिर बजाज की राइडर में किसी बाइक को परचेस करना है, तो आप विजिट कर सकते हैं सोसाइटी बजाज, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके बजाज की राइडर में किसी बाइक को परचेस वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों, कुछ यदि इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।